क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर एक आठवीं पास युवक ने ठगी का धंधा शुरू कर दिया। इस ठगी के धंधे में आरोपी युवक कंप्यूटर द्वारा फर्जी एटीएम बनाकर लोगों के खाते से रुपए निकालकर मौज उड़ाता था। लगभग 20 वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों उस वक्त धर दबोचा जब वह एटीएम मशीन से किसी के खाते से पैसे निकाल रहा था। पुलिस की पकड़ में दिखाई दे रहा यह युवक बहुत ही शातिर और चालाक है, जो कि पढ़ाई में मात्र 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त कर चुका है, लेकिन ठगी में डिग्री हासिल कर चुका है। इसी ठगी का यह धंधा उसने टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल को देखकर शुरू किया और धड़ाधड़ 20 लोगों के खाते से पैसे उड़ा लिए। असल में आरोपी युवक सत्यजीत पहले तो कंप्यूटर के जरिए फर्जी एटीएम कार्ड बनाता था और उसके बाद एटीएम मशीन से मौका देखकर लोगों के खाते से रकम निकालकर रफू चक्कर हो जाता था। आरोपी सत्यजीत ने पुलिस की पकड़ में आने के बाद खुलासा किया है कि वह एक स्वैप मशीन रखता और गुड लाइफ कार्ड से स्वैप करके फर्जी कार्ड तैयार कर लेता था और इसके बाद सीधा एटीएम से पैसे निकाल लेता था। सर, 8वीं तक पढ़ा? 8वीं तक पढ़े हो? फ्रॉड करते हो? नहीं सर, एटीएम से पैसे निकालते हो लोग कार्ड से? दो तरह क्राइम, एक डेढ़ महीना पहले क्राइम रिपोर्ट दिखा था सर। अच्छा, तो उसमें दिखाया कि कहाँ एटीएम से कैसे कार्ड बना ये करते हैं। अच्छा, फिर मैंने ये चलाने के लिए तो फिर जाके 25 तारीख को एक्टिवेट हुआ। अच्छा, महीने में कितने एक्टिवेट हो जाते थे कार्ड? ये कोई पता नहीं सर, अभी तो पहला मैंने किया ही थी। अच्छा, तो ये खाली कार्ड ब्लैंक कार्ड कहाँ से लेके आए, मशीन कहाँ से लेके आए? सर, ये मशीन तो ये जो ना हम दुकान में स्वाइप करने वाला कार्ड नहीं होता है, वो मशीन है। अच्छा, तो कितने कार्ड एक्टिवेट कर चुके हो, कितने पैसे निकाल चुके हो तक? सर, पैसा सिर्फ 7,000 निकाला। 7,000 निकाले थे? पूरे दिन ट्राई करते थे या उसके अलावा भी कुछ काम करते थे? सर, दुकान में जाता था, मैं दुकान में बैठता हूँ, मेरी दुकान भी है। अच्छा, मैं थोड़ा सर कर्ज में आ गया था, मैं सोच रहा हूँ जो सब बड़े बड़े नेता लोग इतना ये करते हैं, घोटाला करते हैं, तो मैं देखता हूँ मैं कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो किसी नेता का भी कार्ड किया नहीं? नहीं सर, कोई आया नहीं अंटे में? अभी तो सर कोई नहीं है, अभी तो पहले ही 2 तारीख हम शुरू किया था इसी, 25 तारीख को मेरा पहला एक्टिवेट हुआ था बस। क्राइम ब्रांच खेड़ी पुल की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि बैंक में स्थित एटीएम मशीन से कोई छेड़खानी कर रहा है, तो पुलिस ने तुरंत छापा मारकर आरोपी युवक से जब पूछताछ की तो उन्हें उस पर शक हो गया। पुलिस ने आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी व्याख्या खोल कर कर डाली। पुलिस के अनुसार आरोपी ने करीब 20 वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे 8,000 रुपए भी बरामद किए हैं, वहीं 10 गुड लाइफ कार्ड, स्वैप मशीन और कंप्यूटर भी बरामद कर लिया है। जो उससे चेक करके ना और गुड लाइफ कार्ड को एटीएम बनाता था और वो पैसे निकालता था, तो इसने अपने डिस्क्लोजर में बताया कि मैं इस तरह की काफ़ी वारदात हरियाणा में कर चुका हूँ और पैसे ऐसे आराम में खर्च कर दिए। क्या नाम है इसका आरोपी का और कितना पढ़ा लिखा है? ये सिर्फ 8 पढ़ा लिखा है जी और छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, 25 साल से दिल्ली में और हरियाणा में ये यहीं किराए पर रहता है। इसका परिवार भी पल्ला में रहता है, गली नंबर 7 में श्याम कॉलोनी में, और ये क्राइम पेट्रोल देख के ना बता रहा है कि भाई मैंने क्राइम पेट्रोल देखा है कई बार दिन में रात में, तो इसमें इस तरह के फ्रॉड होते थे। इसने बताया जी 60 करोड़ के करीब एटीएम जो हैं भारत में वो चल रहे हैं और 15,000 एटीएम है वो तकरीबन रोजाना की दर से नए बन रहे हैं, तो उसमें मैं अपनी हिसाब से कोड नंबर डालता था और वो जब एक्टिवेशन में आ जाता था तो मुझे पता लग जाता था कि भाई ये कार्ड एक्टिव है, तो उसमें एटीएम में जाके ना काफ़ी देर अलग अलग नंबर मैच करता था उसमें, तो उसमें 1 या 2 एटीएम हफ्ते में 10 दिन में एक्टिवेशन जिसका होता था तो उससे मैं पैसे निकाल लेता। क्या इसके साथ इसके और भी कोई साथी संग? नहीं, ये अकेला ही है जी और इसका कोई साथी नहीं है। पुलिस ने फिलहाल किन किन धारा तहत मामला दर्ज किया? 420 है जी, धोखाधड़ी करके ना पैसे निकालना, सिर्फ 420 इंप्लीमेंट की है और आगे तफ्तीश जारी है, आगे जैसा भी होगा जो कागज
हकों के आधार पर और जो इसने जुर्म किया है उसके आधार पर इसमें धारा बढ़ाई भी जा सकती है। लगभग कितनी वारदातें कबूल चुका है अब तक? ये करीबन 20 वारदातों का इसने उल्लेख किया जी, 20 जगह से पैसे निकाले हैं, लेकिन शायद सब लोगों ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है, या तो वे लोग कहीं बाहर हैं या उनको पता नहीं लगा है। तो ये छोटी राशि 10,000, 15,000 रुपये, 18,000, 16, 15 इस तरह से निकालते हैं।